हे कुरी, क्या दलील? तो क्या छक परेशान? क्या बताऊं भैया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से धोखा दे दिया। ये तो एक नंबर की धोखेबाज पार्टी निकली। कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है, हमेशा अपना माइंड चेंज कर लेती है। समझ ही नहीं आता इन पर भरोसा करे तो करे कैसे। सुवंत में आकत से क्या छी बासा नेशनल कॉन्फ्रेंस चुगता। अब देखो ना भैया, कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब कंटेस्ट नहीं करेंगे असेंबली इलेक्शंस। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि वो गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ऐलान किया तो किया। फिर एक बेचारे जर्नलिस्ट ने जब उनसे पूछा कि इस तरह का आपने ऐलान क्यों किया, क्योंकि पहले तो आपने कहा था कि जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिल जाता तब तक आप असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर आज क्यों लड़ रहे हैं? तो ये था इनका जवाब। उमर साहब, योर अर्लियर डिसीजन नॉट टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज सीन एज बोल्ड स्टैंस अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजंस इन कश्मीर। नाउ पीपल आर सेइंग दैट उमर अब्दुल्ला हैज सैक्रिफाइस्ड हिज प्रिंसिपल्स फॉर द लस्ट ऑफ पावर। उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। हां, क्या छुआना है? खुदा ए रहम, हाय हाय, ओह। अब आप देखिए, आप खुद देखिए, ये जेकेएनसी वाले उमर अब्दुल्ला साहब कहते थे कि बीजेपी जो है वो अंग्रेजों से सीखती है। बीजेपी की एक बहुत बड़ी खासियत है, उन्होंने अंग्रेजों से कुछ सीखा नहीं सीखा, एक चीज ये सीखा किस तरह किसी को इस्तेमाल करके फेंकना है। मगर अगर अंग्रेज इतने बुरे हैं तो फिर उमर अब्दुल्ला साहब खुद क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों अमरीकी डेलीगेशन से मिले? वारिया ज़्यादा गलत। अब मिले तो मिले, इन अमरीकियों से उन्होंने क्या डिस्कस किया? यही ना कि टूरिज्म बढ़ाइए, हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ाइए, अमरीका में लोगों को कहिए कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लिए आइए। तो ये गलत हुआ ना, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने इनडायरेक्टली मोदी जी को प्रेस कर दिया। अभी अमरीकी क्या सोचेंगे, इनका जम्मू कश्मीर इतना अच्छा है, हमने तो यूं ही अपने लोगों को कश्मीर को लेके ट्रैवल एडवाइजरी दे रखी थी कि कश्मीर ना जाइए क्योंकि कश्मीर में टेररिज्म है। अरे ये टेररिज्म थोड़ी थी, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई थी। लेकिन अब क्या होगा, अब वो अंग्रेज देखकर चले गए कि मोदी जी ने यहाँ पर कितना प्रोग्रेस किया है, यहाँ पर तो टूरिस्ट ही टूरिस्ट आ रहे हैं इंडिया भर से, अब अमरीकी भी आने लगेंगे तो हमारी आज़ादी की लड़ाई का क्या होगा? अमरीकी डेलीगेशन को मिलने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी ये खजलखानी करने की? अरे ये उमर अब्दुल्ला तो इनडायरेक्टली मोदी जी का ही प्लान मुकम्मल कर रहे हैं। मुझे तो इन पर पहले से ही शक था, इन पर तो कोई भी कश्मीरी भरोसा कर ही नहीं सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट द्राने, हम क्या ही करें ना, हमारी आजादी की जंग बची और ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा करने के लायक रहे, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। खुदा रहम कर, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर हूँ भरोस पड़ा, हमेशा तमन पे भरोस कमो फुटो सोन भरोस। मैं तो कहती हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट असल में जेकेएनसी ही है, क्योंकि यूटी का मतलब होता है यू टर्न, और जेकेएनसी यू टर्न गवर्नमेंट है। लोगों के साथ धोखा होगा।